नमस्कार साथियों, हिंदी की शिक्षण विधि की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षण विधि की क्लास चल रही थी, अगली शिक्षण विधि आप देखते हैं कौन सी अगली शिक्षण विधि, ये देख लेते हैं। द्विभाषी विधि, कौन सी द्विभाषी विधि, क्या है द्विभाषी विधि, किसने दी ये देख लेते हैं। सी जे डोर्सन, किसने दी, सी जे डोर्सन द्विभाषी विधि दी, सी जे डोर्सन ने, कहां के थे, वेल्स के, और वेल्स के निवासी थे सी जे डोर्सन। द्विभाषी विधि सी जे डोर्सन ने दी, क्या है ये विधि, ये देख लेते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि अपनी, प्रत्यक्ष विधि और भंडारकर विधि, भंडारकर विधि, प्रत्यक्ष विधि और भंडारकर विधि, भंडारकर विधि, भंडारकर विधि को व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि। जो ये दोनों विधियां हैं इनके समक्ष, इनके बीच सेतु का काम, किसका, सेतु का काम करती है कौन, अपनी द्विभाषी विधि। द्विभाषी विधि प्रत्यक्ष विधि और अपनी भंडारकर विधि के बीच में मध्यस्थ सेतु का काम करती है। किसने दी, सी जे डोर्सन ने यह विधि दी, वेल्स के निवासी थे। अब समझते क्या होता है भाई, दूसरी भाषा मतलब जो मातृभाषा नहीं है, दूसरी भाषा सेकेंडरी लैंग्वेज सिखाने के लिए ये जो द्विभाषी विधि है वो द्विभाषी नाम से दिख रहा है, दूसरी भाषा द्विभाषी विधि मतलब सेकेंडरी लैंग्वेज सिखाने के लिए, मतलब जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र है अपना भारत में हिंदी बोली जाती है, तो इंग्लिश, इंग्लिश हो गई, और भी जैसे फ्रेंच वगैरह जो अलग लैंग्वेज है वो सिखाने के लिए भाई, द्वितीय लैंग्वेज द्वितीय भाषा सिखाने के लिए ये विधि काम में ली जाती है। लेकिन क्या होता है इस विधि में, कुछ कठिन शब्द भाई, व्याकरण के, व्याकरण के नियम, व्याकरण के नियम या कठिन शब्द, कठिन शब्द भाई, कुछ व्याकरण के नियम या कठिन शब्द उस भाषा में समझ में नहीं आए तो हिंदी भाषा में उसका ट्रांसलेट मतलब अपनी मातृभाषा में उसका, मातृभाषा में, मातृभाषा में उसका भाई व्याकरण के नियम या कुछ कुछ शब्द ही उसका अनुवाद कर दिया जाता है। इस विधि में क्या कर दिया जाता है, अनुवाद, पूर्ण रूप से पूरे सेंटेंस का या पूरे जो भी पढ़ा रहे हैं उसका अनुवाद नहीं किया जाता। जब उसका अनुवाद पूर्ण पूरे का मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता तो यह अनुवाद विधि हो जाती, कुछ शब्दों का, कुछ शब्दों का और व्याकरण के कुछ नियमों का इसमें अनुवाद कर दिया जाता है। ये यहां तक समझ में आया, आगे देखते हैं। इस विधि में क्या, विदेशी भाषा का अध्ययन कराते वक्त, अध्ययन करवाते समय या वक्त भाई, इस विधि में क्या होता है, विदेशी भाषा का अध्ययन करवाते समय क्या होता है, मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग, मैंने अभी बताया था मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग, कुछ शब्दों का मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग ले लिया जाता है, उपयोग ले लिया जाता है मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग या उपयोग किया जाता है, किया जाता है भाई। संपूर्ण रूप से अपन इस विधि में क्या होता है, संपूर्ण रूप से किसी भाई, संपूर्ण रूप से विदेशी भाषा पढ़ाते समय संपूर्ण रूप से हम उसका क्या है जो अनुवाद है वो नहीं करते हैं, और क्या है विदेशी मतलब मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग उपयोग किया जाता है, मतलब कुछ कुछ शब्दों में जो कठिनाई होती है वहां पे मातृभाषा के शब्दों द्वारा अनुवाद कर दिया जाता है, मातृभाषा के शब्दों द्वारा अनुवाद, मातृभाषा के शब्दों द्वारा अनुवाद कर दिया जाता है, जिससे कि आसानी से छात्र समझ पाए, जिससे कि आसानी से समझ पाए। यहां तक तो हो गई, आगे देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु। भाई एचएन शास्त्री जी थे अपने, भाई एचएन शास्त्री जी ने क्या कहा कि भाषा जो ये द्विभाषी विधि है
ये जो भारतीय परिवेश है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि बताया किसने? एचएन शास्त्री जी ने। किसने? एचएन शास्त्री जी ने क्या बताया? देवभाषी विधि को सबसे भारतीय संस्कृति में सबसे सर्वोत्तम विधि बताया। क्योंकि जैसे इंग्लिश सिखानी है भारतीय संस्कृति में अपन को, तो कुछ शब्दों का नहीं आया तो उसमें अपनी मातृभाषा जैसे हिंदी में उसका अनुवाद कर दिए। तो इस प्रकार से देवभाषी विधि समझाई जाती है, ज्यादा कठिन विधि नहीं थी। इस विधि में क्या होता है, विदेशी भाषा सिखाते समय हम क्या करते हैं, अपने मातृभाषा के शब्दों का अनुवाद कर देते हैं। तो ये थी आज की शिक्षण विधि, अपनी देवभाषी विधि, ज्यादा कठिन विधि नहीं है। आगे और भी विधियां लेकर आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।